आप बता सकते हैं ईवीएम क्या है? ईवीएम ईवीएम डोंट नो, फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ. ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन. आई डोंट नो, ये नहीं पता मुझे. नहीं पता. ईवीएम नो नो नॉलेज, सॉरी मुझे नहीं पता. तो नहीं लग रहा कि ईवीएम में इतनी धांधली गड़बड़ी ये सब चल रही, तो हमें वोट पेटीएम से डालने चाहिए? अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा. हाँ डाल सकते हैं, आजकल पेटीएम का ही चल रहा है हर चीज. हाँ ये भी अच्छा आइडिया है. वो भी सही है, वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे डालना चाहते हैं, ईवीएम से या फिर पेटीएम से. चुनाव जीतने के बाद जो सीट मिलती है वो सीट लोहे की मिलती है लकड़ी की? लकड़ी की भी होती है, एल्यूमिनियम की भी होती है, लोहे की होती है, बहुत सारी होती है. वो तो कहने के लिए तो लोहा के देता है, लेकिन जब जी जाता है तो काट के दे देता है. मैं तो लेदर या फिर नॉर्मल वुडन प्रेफर करूंगी. लकड़ी की. लकड़ी की. लकड़ी की, उसमें थोड़ा स्पंज भी लगा होता है. लकड़ी की. लकड़ी की होती है, लोहे की होती है. लकड़ी की मिलती है. लकड़ी की ये तो डिपेंड, कोई डिपेंड नहीं है, लोहे की या लकड़ी की या एल्यूमिनियम की या स्टील की, ऐसा कोई. वो फॉर्म की होती होगी, लकड़ी और लोहे की तो नहीं देखी है मैंने कभी. लेदर है. राजस्थान में कांग्रेस जीत गई है, तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जी वहाँ का राष्ट्रपति किसे नियुक्त करेंगे? किसी को कर दो, उनका कुछ नहीं होने वाला है. राहुल गांधी किसे राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे? ज्योतिरादित्य सिंधिया है, यही ऑप्शन है. हाँ, नोविता, नोविता. उसकी शक्ल भी मिलती है राहुल गांधी से. एमपी में बीजेपी हार गई है, तो आपको क्या लगता है कि वहाँ का जो राष्ट्रपति है उसे अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए? तो दे देना चाहिए, कोई ऑप्शन ही नहीं है. टाइम होता होगा ना, टाइम ड्यूरेशन, उसके बाद वो इस्तीफा दे. मेरे ख्याल से एक मौका और देना चाहिए उन्हें. मेरे भी ख्याल से एक मौका और देना चाहिए. एंड तक उन्हें लड़ना चाहिए. एमपी का राष्ट्रपति पता है आपको कौन? नहीं. यूपी का? यूपी का आई थिंक लालू यादव. दिल्ली का राष्ट्रपति कौन है अभी? ये आपका क्या कहते, भूल गया. गूगल मार के बताते हैं. यूपी क्या नाम है इनका? को एमपी का प्रेसिडेंट भी नहीं पता होगा फिर. इन्हें इंटरेस्ट नहीं है भाई, इन्हों तो बिल्कुल भी नहीं है. यार यूपी का पता है, पेट में नाम नहीं आ रहा है. प्रणब मुखर्जी. आनंद पाल था, उसे मार दिया. राष्ट्रपति कौन दिल्ली? दिल्ली के राष्ट्रपति योगी आदित्यनाथ जी. मोदी, नरेंद्र मोदी. प्रधानमंत्री कौन है? तो केजरीवाल है ना अशोक गहलोत केजरीवाल. मैंने तो चुनाव में नाम ही नहीं सुना केजरीवाल का. भगवान माफ नहीं करेगा आपको. दिल्ली का प्रधानमंत्री कौन है? दिल्ली का प्रधानमंत्री वही नरेंद्र मोदी है. दिल्ली के मालिक हम हैं. बिहार का? वो भी नरेंद्र मोदी है. इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो केजरीवाल कौन है? वो केजरीवाल तो वही है, नरेंद्र मोदी. भगवान माफ नहीं करेगा आपको. भगवान माफ नहीं करेगा. भगवान माफ नहीं करेगा.